कंप्यूटर स्क्रीन में हम क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना आंसर और एक डिस्टेंस होता है जो हमें देखने को मिलता है स्क्रीन से और अपने आप से मतलब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाते उस चीज में मतलब मुझे आठ साल हो गए पढ़ाते बच्चे बोलते हैं कि मैम स्क्रीन पे ना कनेक्टिविटी उतनी नहीं बैठ पाती मुझे तो ज्यादा बेटर लगता था कि ऑफलाइन हो क्योंकि बच्चों की ना प्रोडक्टिविटी बहुत जा रही थी ऑनलाइन एग्जाम में और मुझे वहां से क्वेश्चन ढूंढ के आंसर करने में रीडिंग कॉम्पिटेशन में बहुत दिक्कत आती थी तो जो भी हमारे बहुत कन्वेंशनल जो चीजें रही ना पुरानी वो वैसी रहनी चाहिए मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि कर रहे हो जो भी जैसे भी आप अपने हिसाब से बस उस काले गोले को ढंग से बना क्योंकि यू कैन नॉट रब

अब आउट हो चुका है और आपका एग्जामिनेशन जो है वो होगा सोलह जून को अब इस एग्जामिनेशन में जो बहुत ही मेजर चेंज देखने को मिला है जो 2018 के बाद अब देखने को मिला है वो है पेपर होगा आपका ऑफलाइन यानी अब आपको ओ एम आर शीट फिल करनी होगी इस पॉडकास्ट में इस पॉडकास्ट को और ज्यादा एक्साइटिंग रोचक और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं आप सभी की जोग्राफी फैकल्टी शिखा मैम हाय मैम वेरी वेलकम टू दिस सेशन सबसे पहले तो मैं आप मैं एक्चुअली आपके साथ ये पॉडकास्ट इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि मैंने ये पेपर ऑनलाइन दिया है और आपने ये पेपर ऑफ़लाइन दिया और ऑफलाइन में आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है राइट yes, ma तो मैम एक बात जो अभी आ रही है मतलब एकदम से अचानक से पहले तो एन ने ऑफलाइन कर दिया है एग्जाम को तो ये एक बात आ रही है जहन में कि आखिर ये जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ है उसके फायदे या नुकसान बेसिकली हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम है बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी पेपर पेन मोड आ जाएगा आपके पास हाथ में बुकलेट होगी जिसमें आप यू नो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो और ओ शीट फिल कर रहे होगी मैं आपको कुछ ऑनलाइन की चीज़ें आ रही हूं, फिर आप मुझे मुझे उसका उसका ऑफलाइन का कुछ आपना, मुझे एक ओवरव्यू दे देना। जैसे अगर हम, बात करते हैं हम अपना आंसर, फिर, देख रहे हैं, फिर आंसर देख रहे हैं और एक डिस्टेंस होता है जो हमें देखने को मिलता है स्क्रीन से और अपने आप से मतलब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाते ऑफलाइन में ये चीज़ आई थिंक नहीं है मैम थोड़ा सा ओवर व्यू देना चाहोगे ऑफलाइन का भी uh, मैंने पेपर क्लियर किया था 2014 में hmm. उस टाइम यूजीसी जी कंडक्ट करवाता था एनडीए hmm. भी नहीं कंडक्ट करवाता था सो so, मेरे को ऑफलाइन मोड जो है वो ज्यादा बेटर लगा है ऑनलाइन मोड hmm. से क्योंकि जब मैं बच्चों से बात करती हूँ मतलब hmm. तो मुझे आठ साल हो गए पढ़ाते बच्चे बोलते हैं कि मैम स्क्रीन पे ना कनेक्टिविटी उतनी नहीं बैठ पाती एंड टू बी वेरी फ्रेंक जब मैं ऑफलाइन पेपर दे रही थी तो मुझे जब मेरे पास हार्ड पेपर होता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा फील होता है कि यू कैन रीड द पेपर और क्वेश्चन एटलीस्ट आपके पास है hmm. और ये है कि स्क्रीन को आगे पीछे करने में मुझे लगता है बहुत टाइम कंज्यूम होता hmm. है जो आपका ऑफलाइन पेपर में नहीं होता इफ़ यू हैव अ हार्ड पेपर हाथ में हार्ड कॉपी है तो आप इजिली पेपर टर्न ओवर कर सकते हैं और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता एंड hmm. फिर आपके पास पेन है तो पेन आपको पता है टीचर और स्टूडेंट दोनों की ताकत है यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन तो मुझे तो ज़्यादा बेटर लगता था कि ऑफलाइन हो क्योंकि बच्चों की ना प्रोडक्टिविटी बहुत जा रही थी ऑनलाइन एग्जाम में hmm. ऐसा मुझे लगता है कि ऑनलाइन में बहुत प्रोडक्टिविटी जाती है क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती तीन घंटा ऑनलाइन hmm. में मतलब कंप्यूटर के सामने hmm. बैठना और कंप्यूटर के साथ में आप पेपर uh, सॉल्व कर रहे हो आप hmm. क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत hmm. दिक्कत आती है जो कि आप फर्स्ट पेपर पढ़ाते हो तो hmm. आपको पता है फर्स्ट पेपर में बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आप लॉजिकल uh, रीजनिंग और ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आती थी एंड पर्सनली अगर मैं इस मोड में अगर अभी एग्जाम दे रही होती तो मुझे ज़रूर प्रॉब्लम आती हाँ मैं ऑफलाइन मोड में मैंने एग्जाम दिया था

सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरे पास एटलीस्ट मेरा पेपर है मैं सॉल्व कर सकती हूं मैं देख सकती हूं एंड अब मुझे ये लगता है कि जब से ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर आया है एक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जमा oh, करने oh, का no, no, जो लॉट no. है वो बहुत प्रॉब्लम है हमें नहीं होती थी उस टाइम hmm. प्रॉब्लम क्योंकि हमारे पास पेपर होता था hmm. आपके पास आंसर की होती थी hmm. वो आंसर की देंगे आप मैच कर लीजिए तो आप अपने पास उसको एज अ नोट्स रख सकते hmm. थे hmm. तो hmm. ये सारी चीजें एक बहुत ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थी एज एन स्टूडेंट आप एग्जाम में अगर जा रहे हो और आपके पास हार्ड कॉपी है तो एग्जाम का फील बहुत अलग होता था पर यही कि टेक्नोलॉजी है तो हमने कोशिश की हम ऑनलाइन पर वापस से आपकी एनटीए आ गई है ऑफलाइन मोड पे तो मुझे लगता है इस बहुत टाइम बाद आ रही है तो आएगी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम hmm. आएगी और शायद हम भी स्टूडेंट्स को बहुत दिनों से देख रहे हैं वो भी ऑनलाइन मोड तो उन्होंने hmm. जहन में ऑनलाइन मोड बिठा लिया है Bilkul. पर ऑफलाइन इस हो सकता है इस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम है पर नेक्स्ट एग्जाम है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथली हो जाएगा Bilkul. और बाकी हम मैंने ये बोला भी था कि शायद ये पायलट हो सकता है इनका टेस्टिंग फेज हो सकता है कि हम देखें एटलीस्ट ऑफलाइन करा करके कि कैसा रिस्पॉस आ रहा है एक चीज जो मैंने ऑनलाइन एग्जाम में मतलब यू नो प्रॉब्लम फेस की है व्हेन आई वाज आल्सो गिविंग द एग्जाम मैंने हमेशा से ऑनलाइन दिया है आई हैव नेवर अटेम्प्टेड ए का पेपर ऑफलाइन मोड में क्योंकि मैंने उस टाइम दिया ही नहीं पेपर मैं मास्टर्स, में थी, मैं मास्टर्स करी थी उससे भी लेट की बात है जब ऑनलाइन शुरू हो गया एन के द्वारा तो वो तो क्या था कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते अब स्क्रीन पे वो इतनी छोटी सी स्क्रीन में वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है तो ना मैं इधर स्क्रॉल कर रही हूँ मैं इधर स्क्रॉल कर रही हूँ पूरा यू नो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी मतलब तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं और मुझे वहां से क्वेश्चन ढूंढ के आंसर करने में रीडिंग कॉम्पिटेशन में बहुत दिक्कत आती थी तो ये चीज हम ऑफलाइन में सॉल्व कर सकते हैं दूसरी बड़ी चीज जो मुझे लगता है एनालिसिस करने में काफी आसानी होगी हो मतलब पहले हम क्या करते थे हम सेंटर्स पे जाते थे मतलब हम हमारे चैनल की तरफ से हम सारी फैकल्टीज अपने अपने एग्जाम के लिए हम नोएडा सेक्टर में जा रहे हैं वहाँ पे सेंटर जो एन का होता है वहाँ जा रहे हैं वहाँ से स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे है एक मेमोरी भी होती ना वो फ्लैश चली जाती चली है वो तुरंत एग्जाम देने के बाद आपको नहीं याद रहता या। है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो अटम्प्ट करके आए थे तो वो क्वेश्चन कलेक्ट करना फिर एनालिसिस करना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है अभी ये चीज़ है कि हमारे हाथ में पेपर है हमारे पास फोटोज़ आ जाएंगे कि हमारे साथ तो हर ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो हमारे पास आ गया जो है वो क्वेश्चन पेपर आ गए हमने उसी वक्त ऑन स्पॉट एनालिसिस कर दिया और बच्चा ये भी देख सकता है कि भाई उसका कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है उसको काफी क्लैरिटी मिल जाती है मतलब बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं दोबारा वो रिजल्ट के वेट करने के चक्कर में कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा हमने तो पेपर दे दिया, दे दिया। अब तो सबमिट हो गया आंसर की आ जाती है चेक कर लेते हैं बहुत सारी चीजें जो आप एज स्टूडेंट्स कर लेते हो बट बाद में आप सिर्फ इसलिए अपनी तैयारी दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाते हैं

मतलब आई बिलीव तो जो भी हमारे बहुत कन्वेंशनल जो चीजें रही है ना पुरानी वो वैसी रहनी चाहिए ऑनलाइन मोड इज ओके एक तो ये है कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी यानी यू कैन नॉट ट्रस्ट ऐसे कंप्यूटर्स मतलब तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप सेंटर्स uh, पे पहुंचे कंप्यूटर एक घंटा लेट हो गया बीच में लाइट गई बच्चों में पैनिक मोड आ जाता और है और की का बटन, बटन कभी कभी बटन भी, भी आता है अब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर बच्चे वैसे ऑलरेडी इतना प्रेशर में होता है और अगर उस प्रेशर में अगर वो कंप्यूटर बंद हो जाए लाइट चली जाए तो बच्चे पैनिक मोड ऑन हो जाता है 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 और मुझे लगता है, उस चक्कर में भी बच्चा दस से सवाल गलत करके आता है। एक इशू मुझे ये भी लगता है कि कि बच्चे जो बहुत कंप्लेन करते हैं ऑनलाइन में मैम हिंदी अंग्रेजी अलग अलग आता है तो वो बहुत कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाती क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है हमें हिंदी का समझ में आ जाता है कभी एक बार अंग्रेजी का समझ में आ जाता है तो यहाँ क्या होता है हार्ड कॉपी में हमारे पास दोनों एक साथ होते हैं अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये कर ले एक वो है कि चलो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे तो अगर पीछे का क्वेश्चन मुझे कोई अटैम्प्ट करना है उतना स्क्रोल करना hmm. पेपर को स्क्रोल करना ही नहीं hmm. है टर्न ओवर करो पढ़ लो आपके पास मुझे लगता है कि ये पेपर स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड रहेगा पर सक्सेसफुल जाएगा तो मैं सोचती हूँ पायलट की तरह ना ले पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको कंटिन्यू रखे आई नो पेपर्स तो जाएंगे हमारे बस स्टूडेंट्स एटलीस्ट कनेक्टिविटी तो बैठा पाएंगे बस ओ की है मेहनत तो वो एक आध बार में उनको अगर सही गाइडेंस मिलेगी मैम तो की बात कर लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं मैम एक बार आपने दिया हुआ ऑफलाइन एग्जाम। इनफैक्ट हम लोगों ने भी अपने लाइफ में कहीं ना किसी ना किसी फेस पर ऑफलाइन एग्जाम दिया है यूस यूस किया है।, है।, किया हुआ है। हमने ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन में यूज किया है अपने अपने बैचलर्स में यूज किया हुआ है मास्टर्स में जब हम सेमेस्टर्स दे रहे हैं तब हमने ओ यूज किया तो ओ के बारे में तो सबको पता है बट एक बार आप थोड़ा सा एक ना रिविजन या फिर एक थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करवा दें का कि देर में आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें यू नो ध्यान में रखनी चाहिए देखो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो है ना बहुत बच्चे ये हो हो रहे हैं कि की है हमें ओ एम आर भरने के लिए उसी टाइम में कंसिडर होता है वो अलग से कोई टाइम हमें नहीं मिलता है पेपर रीडिंग के लिए अलग से टाइम मांगते हैं पहले फिर बोल रहे ओ एम आर कोई अलग से टाइम नहीं मिलेगा हाँ एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसा रूल नहीं कि अलग से टाइम मिलेगा ओ एम आर को हम ब्लैक पेन से भरते हैं या ब्लू पेन से भरते हैं वो मार्ग होगा मुझे लगता है दो मिनट अपनी इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ी है आप है ना बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप उसको रब कर पाओगे अगर आपने एक बार गोला काला कर दिया उसके बाद में तो या तो पा रहे या तो आ रहे <laughs> ना, आप उसको रब नहीं कर पाओगे यू कैन नॉट यूज द व्हाइटनर एज वेल आप सोचो कि मैं व्हाइटनर यूज कर लूंगी बच्चे बहुत होते हैं एक एक आपने अपना रोल नंबर गलत भर दिया तो आप फिर आपको तो कंप्यूटर उठाएगा ही नहीं पूरा कंप्यूटर सिस्टम है है ना अगर वो कंप्यूटर वैसे चल रहा है तो यहाँ पूरा सिस्टम आपका आंसर कंप्यूटर उठाएगा तो अगर दो गोले मार्क कर दिए तो वो क्वेश्चन आपका नल एंड व्हाइट है मतलब वो ही नहीं होगा तो एक तरह से डिसएडवांटेज पर मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े बच्चे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं तो ये तो थोड़ा ध्यान से लगे की कितना पता है क्या होता है ब्लैक ब्लैक करते करते ना ये बहुत हंसी की बात है कि सब काला दिखने लगा और हम एक ही क्वेश्चन में दो दो दो

चीटिंग करने के या पेपर लीक होने के चांसेस होते ऐसा, ऐसा क्या कुछ हो? नहीं हुआ है मैंने जब तक पेपर दिया बल्कि ऑनलाइन में ज्यादा मैं सोचती हूँ कि वहां जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हेल्प कर देंगे या आसपास आप देख सकते हो पर ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी पेपर लीक हुआ रिजल्ट हमारे टाइम थोड़े लेट चले जाते थे पर कभी ओ, ये नहीं हुआ कि चीटिंग जैसी कुछ हुई आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी नहीं। ऐसा लग रहा है आपको सांस लेने की फुर्सत ना तो देखिए कोई पेपर लीक होने की कभी कोई खबर आई है ना कोई चीटिंग की खबर आई है और ये भी ना सब मिथ्स हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं पेपर कभी लीक हुआ ही नहीं है एनटीए में कभी नहीं हुआ लोग कह रहे हैं पेपर कुछ नहीं तो टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं या वैसे कोई इश्यूज आते हैं तो पेपर इतना बड़ा पेपर कोई लीक तो नहीं हो सकता हुआ भी नहीं है हाँ पर ये हो सकता है कि आप जब पेपर बोल रहे हैं चीटिंग कराने की तो जो वहां टीचर खड़ा है ना वो

ऑर्गेनाइज़ नहीं होता ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज आ रहा जैसे मैंने पेपर दिया है वैसा आंसर की वो एक क्वेश्चन अगर मेरा क्वेश्चन नंबर वन है आंसर की में वो क्वेश्चन नंबर कुछ और कुछ होगा और बीच में कहीं छुपा हुआ होगा अब ये जो हम ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं उसमें ये है, क्योंकि हम सीरियल वाइज कर, वाईस कर वाईस रहे हैं तो आंसर की भी उस हिसाब से आएगी तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं अभी हो आंसर की जो ऑनलाइन एक तो ओ गॉड मुझे याद है मैंने एक लैपटॉप पे आंसर की खोल रखी है अपने फोन पे क्वेश्चन पेपर अपना खोल रखा है दोनों को मैच करी और में भी रख रखी, जिसमें मैं मार्क कर रही है अच्छा, मैंने वन मार्क किया एंटी ने ये बताया तो सही, सही आ, मैंने टोटल किया मैं लिटरली बता रही हूं मैम मैं एक घंटे में अपना आंसर की मैच कर पाई इससे भी ज्यादा तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरे इतने नंबर बन रहे हो मेरे और ये भी कि हम कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं तो आई थिंक ये वाला भी पॉइंट ऑफलाइन में ईजी हो, हो गया क्योंकि मुझे भी लगता है ऑनलाइन में जैसे बच्चे हमें भी भेजते तो मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ नीचे लिखा होता है ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शन ये और है हाँ। फिर उनकी अलग निकालो अब यहाँ तो आपके पास में अगर आपके पास में कार्बन कॉपी संभाल के रखी है तो वेरी गुड है अदरवाइज आपके पास में हार्ड कॉपी में अपने क्वेश्चन के आंसर मार्क कर रखे हैं बस मुझे ऐसा लगता है संभाल के रखना एप्लीकेशन और वो सब वो एंड तक काम आती है बहुत बच्चे एंड में क्योंकि रिजल्ट आ गया सब आ गया या तो आपके पास आंसर की नहीं थी एप्लीकेशन आईडीज नहीं थी ऑफलाइन में ना डॉक्यूमेंटेशंस बहुत हो जाते हैं वो थोड़ा ध्यान में रखना होता है आपको बाकी तो देखो कोई वो नहीं है एक ऐसा है कि एक नई चीज है जो अभी बच्चे ट्राई करने वाला हम तो दे आके निकल है <laughs> मुझे लगता है मेरे लिए ऑनलाइन हार्ड पड़ता ऑफलाइन नहीं था <laughs> पर हाँ ठीक है पर एक नई चीज है तो मुझे लगता है बच्चों को अब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा बिल्कुल और मैम एक और चीज बताती हूँ सो मैंने ना कि प्रोडिक्शन बहुत पहले कर दिया है आपको पता है मेरे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा भी था कि क्या एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए ऑनलाइन में हो रही है बच्चों को परेशानियाँ तो उसमें मैं ना मैंने सारे ये पॉइंटर्स डिस्कस किए थे और बाद में ना मुझे सारे हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं हम जहाँ बैठते हैं गुरुकुल में सब ने मुझे बताया ग्रुप पर भी हम डिस्कस करें कि अंशिका मैम ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि भाई सही बात है मैंने कुछ मुझसे ही कुछ राय ली किया इंटीनियर तो मैं थोड़ा सा मैंने सोचा अपनी पीठ थपथपा लेती हूँ मेरी वजह से ही हो रहा है अब बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश भी हैं ये ऑफलाइन मतलब मैंने जो देखे हैं कमेंट्स पॉजिटिव ही देखे हैं कि एवरीबडी इज़ एक्चुअली एम्ब्रेसिंग दिस मूव बाई एन कि हमने जो है वो पेपर अब ऑफलाइन कर दिया है तो ये इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने बहुत सारे आप लोगों के लिए प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए हैं आई थिंक प्रोज वाला पार्ट ऑफलाइन को लेकर के ज़्यादा हैवी हाँ। है एज कंपेयर टू कॉन्स वाला पार्ट सो so, अभी आप लोगों को अपनी तैयारी में जुट जाना है अपनी प्रपरेशन में जुट जाना है क्योंकि टाइम नहीं है ऑब्वियस इसलिए अब तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं और प्लीज लास्ट डे का वेट मत करना कि अभी तो आया है एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना यह काम हटाओ खत्म करो और अपनी तैयारी में जुटो कि वरना एक प्रेशर रहता है दिमाग में कि यार एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना ये वो ऐसे वैसे ये सब चीज़ें पहले करके हटा लो अपनी तैयारी में जुट जाओ और यूजीसी नेट अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का जो ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए और रेगुलर आपकी जो भी पेपर वन और पेपर टू की क्लासेज हैं उनको भी अटेंड करना ना भूलें मैम कुछ आप भी कहना रहे मैं बस मैम के चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगी देखो पेपर आपने देना है पेपर आपने क्लियर करना है अब ऑनलाइन ऑफलाइन से मुझे लगता है आपको इतना मैटर नहीं करना चाहिए मैम ने बोला पढ़ाई कीजिए तो वो आपका मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई कीजिए बस एक एज एन सीनियर मैं आपको ये बोलूँगी कि जब पेपर जाओ ना देने इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ लेना बाद में माता पकड़ोगे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते बहुत जल्दी रहती है ना पेपर अभी कर लें अभी कर लें अभी कर लें सो ले। so, आपके पास तीन घंटे होंगे तो मुझे लगता है पेपर के इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली थरेली पढ़कर फिर पेपर देने बैठिएगा एंड येस yes, आपके पास कम टाइम है तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कीजिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको अच्छा सा अच्छा सब्सटेंशियल जो स्टडी मटेरियल है वो मिल सके थैंक यू सो मच थैंक यू एवरी वन बाय सी यू अगैन